मॉर्निंग फ्रेंड्स, नन्नू ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपने जनरल साइंस के सीरीज 13 में पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने कल बायोलॉजी स्टार्ट किया था और बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को भी हमने देखा था, जो कि हमारा चैप्टर था बोटनी एंड इट्स ब्रांच, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएँ। और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे इसका जो सेकेंड चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात कर रहे हैं रेलवे की, चाहे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, जूनियर इंजीनियर हो या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, तो इसमें जो जनरल साइंस के सेक्शन में जो होता है बायोलॉजी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। बायोलॉजी से कम तीन चार पाँच क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, जिसमें से हम लोगों ने आपका जो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था बोटनी एंड इट्स ब्रांच, उससे हार्डली ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है अक्सर। तो हालांकि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर एक पेपर जितने भी सेट होते हैं सब सेट में देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, अगर जैसे 10-2-4-5 सीटिंग में एग्जाम होता है तो उसमें से किसी न किसी एक सेक्शन में उससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उस वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना जो आज बायोलॉजी का पार्ट टू है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, मतलब वर्गीकी का, जिसे जैसे कल जो ये जो साइंस जो वर्गीकी होता है, वर्गीकी का फादर किसे कहा जाता है। तो वर्गीकी का जो फादर कहा जाता है फ्रेंड्स, लिनियस ने सर्वप्रथम ये किया था, इसलिए लिनियस को ही वर्गीकी का पिता कहा जाता है। द्विनाम पद्धति, ठीक है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आप लोगों के, वैसे जान लीजिए लिनियस है। सिस्टम नेचुरा किसके प्रसिद्ध पुस्तक, हाँ ये काफ़ी ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये दो तीन तरीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग जनरल साइंस में भी पूछ लिया जाता है और जनरल नॉलेज में भी पूछ लिया जाता है और बुक्स एंड देयर ऑथर में भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिस्टम नेचुरा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो सिस्टम नेचुरा जो है लिनियस की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, लिनियस की। उसके बाद बात करते हैं पुष्पी पादपों को रखा जाता है, पुष्पी पादप जो होते हैं उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, तो उससे हम लोग फैनरोगेमस श्रेणी में रखते हैं, फैनरोगेमस में रखते हैं। अपुष्पी पादपों को रखा जाता है, तो अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेमस में रखा जाता है, क्रिप्टोगेमस में रखा जाता है, और फैनरोगेमस में पुष्पी पादपों को। वर्गीकरण का जो बेस था, आधार था, उसको क्या था, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या थी, तो वर्गीकरण की जो स्पीसीज, जाति के स्पीसीज, जाति के आधार पर, स्पीसीज के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं जलीय पौधे जो होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जलीय पौधों को हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, मतलब द्विनाम पत्ती जो है उस पत्ती से ये पता लगता है कि जैसे कोई भी पौधा है उसके नाम को दो शब्दों में लिखा जाता है, तो उसके जो दो शब्द होते हैं वो दो शब्द किस किस चीज़ को बताते हैं, तो उसका जो पहला शब्द है उसके वंश को बताता है और दूसरा शब्द उसके जाति को बताता है। नेक्स्ट, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, इस टाइप के पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस टाइप के पौधे को हम लोग कहते हैं अनावृत बीजी। जीवाणु को खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज फ्रेंड्स ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, तो इसी से आप लोग इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, जीवाणु स्वपोषी होते हैं नहीं, जीवाणु परपोषी होते हैं, जीवाणु सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं नहीं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, सही बात है, सिर्फ कुछ जीवाणु ही जो होते हैं जो स्वपोषी जो एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन अधिकांश जीवाणु जो होते हैं विविध पोषी होते हैं, ठीक है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, मतलब जीवाणुओं को पौधा माना गया है, क्यों, कैसा, क्यों, क्योंकि इनमें जो है कठोर कोशिका भित्ति होती है, यही कारण है कि जीवाणुओं को पौधा के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट,
जीवाणुविकी कोशिकाओं में नहीं होता है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता, क्या नहीं पाया जाता जीवाणुविक कोशिकाओं में, तो कैमा रूपी वाइब्रियो नहीं पाया जाता है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, सॉरी फ्रेंड, जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है, जीवाणुविक कोशिकाओं में जो होती है सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है, जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है। देख लीजिए एसएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2014। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, तो जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है वो छड़ के रूप में, छड़ के समान होती है, बैसिल्ली होती है, छड़ के समान, जिसको हम लोग बैसिल्ली बोलते हैं, बैसिल्ली इंग्लिश में बोलते हैं बैसिल्ली, और जीवाणुओं की जो आकृति होती है वो छड़ छड़ के रूप में होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम लोग गुलाणु कहते हैं, उन्हें हम लोग गुलाणु कहते हैं, जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं उन्हें हम लोग गुलाणु कहते हैं। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, एक गोल जीवाणु को हम लोग कोकस कहते हैं, एक गोल जीवाणु को हम लोग कोकस कहते हैं, एक गोल जीवाणु को हम लोग कोकस कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक सर्पिल जीवाणु को हम लोग स्पाइरलिस कहते हैं, स्पाइरिलम कहते हैं, स्पाइरिलम कहते हैं, स्प्रिलम, स्प्रिलम, ठीक है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, स्पाइरिलम। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, जो वास्तविक केंद्रक होता है वो जीवाणुओं में ही उपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक की अगर हम बात करते हैं तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, जीवाणु, कवक, शैवाल, कीट, तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं जीवाणु सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, जो बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी आशय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका जो हम लोग वर्ण किल्वक कहते हैं। पाश्चर प्रसिद्ध है, पाश्चर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो पाश्चर जो है रोगों को जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है पाश्चर, पाश्चर जो है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से सबसे छोटा जीवाणु है, अगर हम लोग सबसे छोटे जीवाणु की बात करते हैं तो विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा जीव होता है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। नेक्स्ट, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने वाले जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं, जो कि अरहर के दालों के गांठों में, जड़ों में पाए जाते हैं। मूल ग्रंथि का रूट नूडल्स पाई जाती है, मूल ग्रंथि का मूल रूट नूडल्स पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है रूट नूडल्स, तो रूट नूडल्स जो होता है कि कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती है, लेग्यूमिनस पादपों में मतलब मूल ग्रंथिकाएँ जो होती है पाई जाती है लेग्यूमिनस पादपों में। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ऐसा क्या कारण होता है कि जो अधिक नमक वाला अचार होता है उसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और मर जाते हैं, यही कारण है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो मानव की आंत में जो एसरिशिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है, एसरिशिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है मानव के आंत में। नेक्स्ट, तपेदिक जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में टीबी बोलते हैं, उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम क्या है, तो टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम होता है, माइक्रोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होता है, भोजन में की विषाक्तता उत्पन्न होती है किस चीज़ से, तो भोजन की विषाक्तता होती है कैलोस्ट्रीडियम बैटुलिनस द्वारा, कैलोस्ट्रीडियम बैटुलिनस के द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं अधिकांशतः प्राप्त होते हैं इन चीज़ों से, तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे,
यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित हो जाती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनते हैं? तो 2 घंटों में 64 जीवाणु बनते हैं। कितने? 64 जीवाणु। एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनते हैं? 64 जीवाणु बनते हैं, 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल होती है फली पौधे जो होती है नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। देखिए फिर से रेलवे, ये जितने भी क्वेश्चन भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक होती है, तो ये भी आपको रेलवे का ही इंपॉर्टेंट रेलवे का क्वेश्चन है। इसके बाद आप पूछते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, ये भी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, यहाँ फली होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, ये भी रेलवे में ही पूछा गया है। तो बैक्टीरिया से होने वाला यहाँ पर रोग आपको बताना है, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो होता है टीबी तपेदिक, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो होता है। ये भी रेलवे का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? जो धान की पैदावार बढ़ाता है वो मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है? तो वो होता है एनाबीना। धान का पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु होता है, वो होता है एनाबीना। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, प्रशीतन जो होता है खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में। प्रशीतन जो होता है खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में। प्रशीतन जो होता है खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में। दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दही जमने में निम्नलिखित में से लैक्टोबैसिलस नामक जीव का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध जो खट्टा होता है वो किस जीवाणुओं के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। दूध जो होता है खट्टा वो बैक्टीरिया के कारण होता है, दूध खट्टा हमेशा बैक्टीरियाओं के कारण होता है। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण उसमें उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु कौन सा है? यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखा है। तो राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम ए, वो होता है नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोस्की ने सर्वप्रथम वायरस की खोज, जिसे हम लोग विषाणु भी बोलते हैं, की खोज सर्वप्रथम वायरस या विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु को हम लोग क्या मानते हैं? तो विषाणु जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप है। विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? यहाँ पे एंजाइम्स पूछा जाता है आपसे कि एंजाइम्स किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो विषाणुओं में जो होते हैं एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, विषाणुओं में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। टीएमबी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है जिसमें आपको जल से डर लगता है, वो विषाणुओं के कारण होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने से जो विषाणु उत्पन्न होता है जिससे घात रोग होता है, उसे हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। इस बीमारी में आप लोगों को जल से डर लगने लगता है। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? चेचक के लिए टीके का जो विकास किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक के टीके की, वही बात हो गई। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करता है, मृत कोशिकाओं में नहीं वृद्धि करता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि विषाणु ये जो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, विषाणु को निर्जीव इसलिए माना जाता है क्योंकि जो होते हैं क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो एंजाइम कहाँ अनुपस्थित होते हैं? तो विषाणुओं में एंजाइम जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं।
विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एड्स का मुख्य कारण क्या है? तो एड्स का जो मुख्य कारण होता है टी फोर लिम्फोसाइट की कमी के कारण ही एड्स नामक बीमारी जो होता है टी फोर लिम्फोसाइट की कमी के कारण ही होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, एचआईवी द्वारा कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी द्वारा आपको अभी पता, मैंने आपको बताया एड्स होता है, और एड्स किस कमी होता है? टी फोर लिम्फोसाइट की कमी के कारण होता है। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची आरएनए होता है, एड्स का वायरस जो होता है। एड्स का कारण क्या है? तो एड्स वायरस के कारण फैलता है। एचआईवी किस चीज़ से संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ये सब रेलवे में पूछा गया, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर एड्स फैलता है किस शारीरिक संपर्क से? सही बात है, एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है, ये भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। विषाणुओं में क्या होता है? तो विषाणु में जो होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है इसलिए विषाणुओं में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए कहा जाता है विषाणुओं में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। सार्स जो है एक विषाणु जनित रोग है, ये भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। खसरा निम्नलिखित सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है, ये भी रेलवे में पूछा ही क्वेश्चन है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो है किसके संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा होता है विषाणुओं के संक्रमण के कारण, ये भी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है? तो विषाणुओं के कारण होने वाला रोग होता है चेचक, ये भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो फूट एंड माउथ रोग जो होती है विषाणुओं के कारण होती है, और ये फ्रेंड देख लीजिए यूपीएससी में पूछा गया, और ये जो क्वेश्चन है 61 फूट एंड माउथ रोग, इसे रेलवे में एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब तक मैं बात करूँ तो 20 से 25 बार पूछा जा चुका होगा इस क्वेश्चन को। फूड एंड माउथ रोग जो होता है हमेशा विषाणुओं के कारण होता है। आलू में मोज़ेक रोग आलू में किसके कारण होता है? तो मोज़ेक रोग जो होता है हमेशा ये विषाणु के कारण ही होता है। आलू में मोज़ेक रोग जो होता है विषाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो शैवालों से संबंधित अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में यूक्लोरेला सहजीवी शैवाल मिलता है। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा किसके कारण? सरगासो एक समुद्र है जिसका नाम पड़ा है सरगासो। क्यों? क्योंकि शैवालों के कारण। गलकंड रोग से बचा जा सकता है, कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है गलकंड के इलाज के लिए? आयोडीन। जो समुद्री खरपतवार होते हैं जिनको अगर हम लोग खाते हैं तो गलकंड से रोग से बचा जा सकता है, तो वो जो खरपतवार होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आयोडीन। और आपको पता ही होगा कि जो गलकंड होता है आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो आयोडीन प्राप्त होने वाला शैवाल होता है लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है किस चीज़ से? समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन स्वपोषी है? ऑटोट्रॉपिक कौन सा है? तो ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी शैवाल होता है ऑटोट्रॉपी। निम्न में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करने वाला जो जीव है वो होता है नील हरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो होता है क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए क्लोरेला का यूज किया जाता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
लाल सागर का जो लाल रंग है शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार जो होता है शैवालों से ही तैयार होता है। एगार एगार वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन कौन से होते हैं? तो फंजाई होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो कवकों द्वारा जो रिजर्व भोज्य पदार्थ होते हैं वो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। जितने भी कवक है वो क्या होते हैं? विविध पोषी होती हैं। सभी कवक जो होते हैं विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है तो माइकोराइजा सहजीवी संबंध किस चीज़? कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किन चीज़ों किनके बीच? तो कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है माइकोराइजा सहजीवी संबंध। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसे हम लोग कोर्टिकोलस कहते हैं। कोर्टिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसे क्रोपोफिलस कहते हैं। कोप्रोफिलस कहते हैं। कोप्रोफिलस निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता? तो क्लोरोफिल जो होता है कवकों में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल कवक में नहीं पाया जाता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किस चीज़ के कारण? फाइटोथेरा इन्फेस्टेनस द्वारा। फाइटोथेरा इन्फेस्टेनस के द्वारा आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा होता है? तो डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक सैक्रोमाइसिज सेरेविस होता है। सैक्रोमाइसिज सेरेविस होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला जो कवक होता है सैक्रोमाइसिज सेरेविस होता है। पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन एक प्रकार का कवक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्रेमिंग ने की थी। अर्गोट क्या प्राप्त होता है? अर्गोट प्राप्त होता है किन चीज़ों से? अर्गोट जो प्राप्त होता है कैलेविसेपस से प्राप्त होता है। अर्गोट कैलेविसेपस से प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर जो पेंसिलिन प्राप्त किया जाता है वो होता है पेंसिलियम क्राइसोजेनम से। औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त की जाती है क्राइसोजेनम से। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। तो डबल रोटी जो होती है वो कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो होता है CO2 का उत्पादन होता है, ठीक है, जो रोटी को स्पंजी बना देता है, ठीक है। ईस्ट में कायिक जनन होता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो खाने योग्य कवक का जो बात कर रहे हैं हम लोग तो एगैरिकस जो होता है खाने योग्य कवक होता है। LSD किससे प्राप्त होता है? तो LSD कवकों के द्वारा प्राप्त होता है। LSD कवकों के द्वारा प्राप्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं आप लोगों को स्ट्रेप्टोमाइसिस को किसने पृथक किया था? तो वाक्समैन ने किया था। टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग मूंगफली में होता है। टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। गन्ने में लाल सरन रोग जो गन्ना में रेड रॉट डिजीज होता है वो किसके कारण होता है? तो रेड रॉट डिजीज कवकों के द्वारा होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। सामान्य खाद्य छत्रक जो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं उससे हम लोग सामान्य खाद्य छत्रक कहते हैं। मशरूम क्या है? मशरूम जो होता है एक प्रकार का कवक होता है। मशरूम एक प्रकार का कवक होता है।
प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी की पेंसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? एथलीट फुट नामक बीमारी कवक द्वारा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। चूंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कवक और प्रोटोजोआ में, तो एथलीट फुट जो नामक जो बीमारी होता है वो हमेशा कवक के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो होता है माइकोराइजा, जो होता है आपको अच्छे मतलब उनके बीच के जो कार्यात्मक संबंध होते हैं उसको दर्शाता है। लाइकेन के को एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने के लिए सक्षम है, तो वास्तव में यह किसके सहजीवी साहचर्य है? तो शैवाल और कवक के, शैवाल और कवक के। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक की बात करें तो लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है। लिटमस किसमें से निकलता है? लिटमस जो होता है किसमें से निकलता है? तो लिटमस जो होता है लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल थलचर या उभयचर कहते हैं? तो उभयचर जो कहा जाता है वो बायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है, बायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है बायोफाइट्स में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स मैं उसी को आपके साथ शेयर करूँगा कि ज़्यादा टाइम कर। साबूदाना किससे बनता है? साबूदाना जो होता है साइकस द्वारा बनता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म जो है पाइनस को जीवित जीवाश्म कहते हैं, सॉरी जिनकगों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, जिनकगों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। वायरस क्या है? तो वायरस एक अकोशीय जीव है। तेल प्रदूषण को के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? सुपर बग जो होता है उसे हम लोग जीवाणु विकृति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? प्रदूषक संकेतक जो पौधा होता है लाइकेन होता है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आज का जो हमारा जो सेकंड चैप्टर था प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और जो हमारा कल का जो चैप्टर होगा हम लोग कल पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट आकारिका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, चूँकि हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम देता रहूं। और रेलवे का फ्रेंड्स जैसा कि मेरा आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा भी होगा कि रेलवे का जो ALP का एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट तक और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है अगस्त तक स्टार्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और वीडियो को एक से दो बार देखिए और ताकि आपका जो कंसेप्ट हो क्लियर हो सके। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू।